सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते वार्ड नंबर 11 के निवासियों ने रोष स्वरूप महिला कॉलेज के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं इस दौरान वार्ड के लोगों ने एमसी पूजा धीमान व पब्लिक हेल्थ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मामला बिगड़ता देख पुलिस व कलायत एसडीएम संजय कुमार मौके पर पहुंचे। इस दौरान वार्ड के लोगों ने कहा कि सीवरेज का सारा गंदा पानी घरों में आ रहा है, जिससे बच्चों में बीमारी फैल रही है। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों के कहने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कपिल मणि महिला कॉलेज में भी पूरी तरह से सीवरेज का पानी भर चुका है। मौके पर पहुंचे एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि अगर इस मामले में किसी भी अधिकारी ने लापरवाही बरती है तो बख्शा नहीं जाएगा और इस समस्या का समाधान जल्द ही करवाया जाएगा। बताते चले कि कैथल के कलायत में सीवरेज की समस्या से जूझ रहे लोगों ने रोष स्वरूप महिला कॉलेज के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम के कारण काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। मामला बिगड़ता देख पुलिस व कलायत एसडीएम संजय कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बामुश्किल लोगों को समझा बुझा कर शांत करवाया। पानी की समस्या थी, हमारे सीवरेज में से गंदा पानी है, पीने के लिए जा रहा है, कोई समस्या समाधान नहीं कर रहे हैं हमारा पानी के। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम इंदिरा कॉलोनी कलायत से रहने वाले हैं, 11 वार्ड है जी हमारा। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, एमसी के पास जाए एमसी में सुनवाई कर रहे हैं हमारी। कब निकालते हैं? निकालते वाले तो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और ये नगर पालिका वाले भी नहीं सुनवाई कर रहे, कोई हमारी सुनवाई भी नहीं कर रहा है जी। हमारे बच्चे भी बीमार हो गए, 3 महीनों से समस्या ज्यादा हो रही है जी, पर 3 दिनों से तो ज्यादा ही समस्या छिड़ रही है जी। जो पानी हाथ में नहीं उठाया जा रहा है, पानी और पीने की तो बहुत दूर की बात है जी, बहुत बदबू आ रही है जी। गंदा गंदा जमीन परेशान हो रहे हैं, और आने जाने के लिए बहुत परेशान हो रहा है। कोई मोटरसाइकिल आ रहा है तो बैठ के चले जाओ, नहीं खड़े रहो। लोगों को भी परेशानी हो रही है, परेशान नहीं है जी, उल्टी दस्त लगा, गंदा पानी आ रहा, बदबू आ रही है। क्या समस्या है? हमने पानी की समस्या है सर, हमारा पीने का पानी गंदा जा रहा है, लैटरिन जा रही है पानी में पीने का, सीवर फूट रही है और गड़ी भर रही है, हम बहुत तंग है। पीने का पानी ये कब से समस्या आपको? ये समस्या तो 3 महीने से है सर, अब ज्यादा हो रही है, 3 दिन हो गए। ये कॉलेज में भी पानी भर है? हाँ जी, कॉलेज भी भर है, पानी का पूरा पानी भर है, कोई नहीं समस्या हल कर रहा हमारी। ठहर के हमने आज ये पब्लिक इकट्ठी करी है, इसलिए हमारा कोई सुनाई करी। अगले क्या क्या आपका क्या रुझान रहेगा, क्या कदम उठाए जाएंगे अगर ये समस्या का हल नहीं होता? किसको अवगत कराया गया था किसी को इस मामले के बारे में, भाई ये समस्या आ रही है? कोई सुनाई कर रहा है? अगर जमा 4 मरीज पड़े हैं ना तो आवाज आए, एमसी ने तो एक देखे नहीं करती।